हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज की वीडियो में मैं ट्राई करने वाली हूँ ये। तो ये है कामिल प्रोफेशनल का कैरेटिन हेयर स्ट्रेटनिंग किट। तो काफ़ी दिनों से मैंने इसको लेके रखा है और मैंने इसके काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसको यूज़ किया, अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। तो मैंने सोचा एक बार मैं भी ट्राई करके देखती हूँ कि इसके मेरे बालों पर कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं मुझे। तो आज की वीडियो में इसको मैं यूज़ करूँगी, कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं और कैसे यूज़ करना है, सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। तो अगर आप भी घर पर स्ट्रेटनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में अगर आप कराते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो 2 साल पहले मैंने अपने बालों में स्मूथनिंग कराई थी और 1 साल तक मेरे बाल काफ़ी हद तक स्ट्रेट थे, काफ़ी ज़्यादा सिल्की हो गए थे, बड़ा अच्छा लगता था। तो फिर मैं दोबारा भी करवाना चाहती थी, पर मैंने जब इसका वीडियो देखा तो सोचा कि चलो इसको ही ट्राई करके देख लेते हैं। इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये 250 अराउंड में मुझे मिला और ऑनलाइन आपको फ्लिपकार्ट से, मीशो पे अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको, अमेज़न पे अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है, क्या कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और इसको यूज़ करके देखते हैं कि इसके मेरे बाल पर कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो चलिए इस किट को ओपन करके देखते हैं। तो इसमें 2 स्टेप्स हैं, ये है क्रीम और एक 2 सैशे हैं इसमें, वो है न्यूट्रिलाइज़र के। पहले आपको क्रीम अप्लाई करनी है और ये पेपर में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो ये जो क्रीम है इसको मैं बोल में खाली कर लूँगी और आपको कांच का बोल लेना है, प्लास्टिक का नहीं लेना है। इसको यूज़ कर देना है, आपको ग्लव्स पहनने हैं और याद रखिएगा कि ये जो क्रीम है ये आपकी स्कैल्प पे टच नहीं होनी चाहिए, आपकी स्किन पे टच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ऐसे लगाइएगा कि आपकी स्कैल्प या स्किन पे टच ना हो। अब आप अपने बालों को डिटेंगल कर लीजिए और पार्टीशन कर लीजिए बालों का, जिससे क्रीम लगाने में आसानी रहेगी और आप अपने पूरे बालों की लेंथ पे अच्छे से ये क्रीम को लगा लीजिए और इसको 20 मिनट्स तक लगा रहने दीजिए। एक बार बालों को खींच के देख लीजिए कि आपके बाल थोड़े से इलास्टिसिटी बड़ी बालों की या नहीं, और फिर 20 मिनट्स बाद आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए। वॉश करने के लिए गुनगुना पानी यूज़ कीजिए, शैम्पू यूज़ नहीं करना है। तो ये क्रीम लग गई और मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया। किसी भी कपड़े से, लाइट से कपड़े से आप इसको अपने बालों को सुखा लीजिए और ड्रायर यूज़ कर सकते हैं। 80% जब ड्राई हो जाए बाल, फिर आप स्ट्रेटनिंग करना शुरू कर दीजिए। और स्ट्रेटनिंग के लिए भी आप अपने बालों को पार्टीशन कर लीजिए और अच्छे से स्ट्रेट कर लीजिए। एक जगह कई बार स्ट्रेट मत कीजिए बालों को, नहीं तो बाल आपके डैमेज हो जाएंगे। और मेरे बाल स्ट्रेट हो गए और ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं। अब मुझे सेकेंड स्टेप फॉलो करना है, जो है न्यूट्रिलाइज़र का। अब न्यूट्रिलाइज़र यूज़ करना है तो इसको भी मैं बोल में खाली कर लूँगी और अपने बालों पर अच्छे से लगा लूँगी। ये जो न्यूट्रिलाइज़र है इसको आप लगा लेते हैं, इसके बाद 15 मिनट्स तक अपने बालों पर रखना है और फिर पानी से ही वॉश करना है, शैम्पू नहीं करना है। और 72 आवर्स बाद आपको शैम्पू हेयर वॉश करना है, तब आप शैम्पू और कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसे मैं न्यूट्रिलाइज़र को अपने बालों पर लगा रही हूँ और आपको बीच बीच में कॉम्ब भी यूज़ करना है और कॉम्ब करते जाना है, जिससे कि सारे बालों पर अच्छे से ये न्यूट्रिलाइज़र लग जाए और कोई भी बाल रह ना जाए। तो कुछ इस तरह से आप इसको भी अपने स्कैल्प पे नहीं लगाना है, बालों की लेंथ पे ही लगाना है। स्कैल्प से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको इसको लगाना है। और देखिए मैंने इसको लगा लिया, अब ये लग गया है। अब मैं हेयर वॉश कर रही हूँ और अब देखेंगे फाइनल रिजल्ट। तो ये तुरंत बाद का के बाल हैं, कुछ ऐसे हो गए थे। रात भर मैंने इनको ओपन रखा, कुछ भी नहीं लगाया, बांधा नहीं, और नेक्स्ट डे ये थोड़े थोड़े कर्ली हो गए, ये कुछ ऐसे दिखने लगे थे मेरे बाल। तो देखा आपने, बड़ा सिंपल था इसको फॉलो करना। आप बाहर से भी करवाते हो तो भी यही सिंपल स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि जब आप बाहर से किसी अच्छी जगह से करवाते हो तो उनके पास जो स्ट्रेटनिंग मशीन होती है वो अच्छी होती है, तो जिससे और अच्छे आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। मेरे पास उतनी अच्छी स्ट्रेटनिंग मशीन नहीं थी और मैं खुद से कर रही थी, शायद कोई और करता मेरे बालों पर तो कुछ हद तक और अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते थे।
जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया तो जब सेकेंड बार जब मैंने वॉश किया स्ट्रेटनिंग करने के बाद, तब तक मुझे लग रहा था कि नहीं बाल स्ट्रेट हुए हैं, पर जैसे मैंने हेयर वॉश किया और जब धीरे धीरे ड्राई होने लगे तो कुछ देर तक तो बाल स्ट्रेट रहे, फिर वैसे के वैसे ही हो गए और इतना डिफरेंस नहीं लगा। साथ ही साथ आप जब और कोई किट यूज़ करते हैं या बाहर से आप स्ट्रेटनिंग करवाते हो तो बाल छूने में ही इतने अच्छे लगते हैं कि पूछो नहीं, क्योंकि इतने सिल्की हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, स्ट्रेट तो हो ही जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं बाल, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पर इस किट को यूज़ करने के बाद चलो स्ट्रेट तो नहीं हुए पर आपके बाल सिल्की शाइनी कुछ भी नहीं होंगे, वैसे के वैसे रहेंगे और कुछ देर बाद और ज़्यादा ड्राई रफ नज़र आएंगे जैसे मेरे नज़र आ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो जैसा मैंने सोचा था वैसा रिज़ल्ट नहीं मिला, क्योंकि इसके रिव्यूज़ कई जगह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और लोगों ने कहा है कि बहुत ज़्यादा शाइनी भी बनाएगा बालों को, दुनिया भर की चीज़ें, और 4-5 महीनों तक स्ट्रेट रखता है। मेरे बाल तो 2 दिन बाद, इसमें 72 आवर्स बाद ही जब आप कोई स्ट्रेटनिंग करते हैं, स्मूथनिंग कराते हैं, हेयर वॉश करना चाहिए। मैंने सारे रूल्स फॉलो किए, सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए जैसे इसमें दिया हुआ है, पर फिर भी मुझे वैसा रिज़ल्ट नहीं मिला। तो मैं तो कहूँगी कि अगर आपको स्ट्रेटनिंग किट यूज़ करना है घर पे, बिल्कुल करो, ज़्यादा कुछ बहुत ही इजी है इसको यूज़ करना, पर ये किट इफ़ेक्टिव नहीं है, आपके बालों को डैमेज करेगी, उतनी स्ट्रेटनिंग आपके बालों को उतना स्ट्रेट नहीं करेगी और शाइनी तो बिल्कुल भी नहीं बनाएगी। तो मैं तो नहीं कहूँगी कि इसको यूज़ करना चाहिए। और भी सारी किट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि लॉरियल का काफ़ी अच्छा किट होता है, वो आप ट्राई करके देख सकते हो। बस ये सस्ता है, इसके अलावा इसमें कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं है। तो जब मैंने इसको यूज़ किया तो ये उतने स्ट्रेट करेंगे आपके बाल जितना कि जब आप किसी अच्छी किट से या बाहर से जब आप स्ट्रेटनिंग कराते हो तो 7-8 महीने बाद जब जैसे बाल हो जाते हैं वैसे ही इसको यूज़ करने के बाद, तुरंत इसको यूज़ करने के बाद वैसे ही बाल हो गए। और पता नहीं अब मुझे कितनी केयर करनी पड़ेगी अपने बालों को ठीक करने के लिए, क्योंकि अभी तो मुझे बाल बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं, थोड़े से स्ट्रेट लग रहे हैं, बाकी कुछ भी इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आया। तो ये किट आप यूज़ करोगे अगर तो 1 वीक तक ही शायद आपकी स्ट्रेटनिंग चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। 1 वीक भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। नहीं तो अगर आप कोई अच्छी किट यूज़ करेंगे बाहर से करवाते हो तो 1 साल तक अगर आप अच्छे हेयर केयर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो 1 साल तक बाल स्ट्रेट रहते हैं और बालों का टेक्सचर अच्छा रहता है, पर इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मुझे ये किट बिल्कुल पसंद नहीं आई, बस काम चलाओ स्ट्रेटनिंग हो जाती है और कुछ भी नहीं होता, जो कि बहुत कम टाइम तक के लिए रहती है। और केमिकल्स तो हैं ही इसमें, तो आपके बालों को डैमेज तो कर ही देगी। तो बिल्कुल आप इसको ट्राई नहीं करना, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी आप इसको ट्राई करो। मेरे बालों पे तो उसने अच्छा रिज़ल्ट नहीं दिया, तो मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगी कि ये किट आपको ट्राई करना चाहिए। बाकी आप और सारी किट्स घर पे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि घर पे करने में सच में बहुत बहुत सस्ते में आपने पड़ जाते हो। बाहर मेरे जितने बालों की स्ट्रेटनिंग होने में काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, तो आप घर पर कोई अच्छी सी किट यूज़ कर सकते हो। तो मैं अब कुछ दिनों बाद कोई दूसरी किट यूज़ करके देखूंगी, उसके रिजल्ट्स मिलते हैं या नहीं आपको ज़रूर बताऊंगी। और आप में से कोई हो जिसने ये किट ट्राई किया हो और अच्छे रिजल्ट्स मिले हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।